सो गाइस, तो आपका भाई आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है HDR फेस को स्मूथ एंड व्हाइट करना कुछ इस टाइप से, जैसे गाइस आप मेरे स्किन पे देख पा रहे हैं। क्या है ना कि आप जब भी अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई मेरा फोटो एडिटिंग कर दो, तो वो भाई क्या है ना बहुत ज़्यादा भाव करता है और आपका फोटो एडिटिंग करके नहीं देता है, कुछ इस टाइप से नहीं फेस को स्मूथ करके देता है, नहीं व्हाइट करके देता है। तो अगर आपको भी रियली तरीके से सीखना है इस तरीके से फेस को स्मूथ करना है एंड व्हाइट करना है, तो आज का वीडियो बिना स्किप के आप लोग देखते हैं। तो इसी तरीके से आप भी फेस को बना सकते हैं, तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप भी इस तरीके से HDR फेस को बना सकते हैं और अपने फ्रेंड को कहने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और देख लीजिए नॉर्मल फोटो कितना ज़्यादा बेकार है ये। इसी तरीके से आपके भी फेस पे पिंपल दाना होता है और आप लोग रिमूव करना इसको चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं होता है और अपने फ्रेंड को आप बोलते हैं तो भाव खाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो बिना स्किप के देखते हैं, तो अब आपको किसी फ्रेंड को बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं इस तरीके से फेस को स्मूथ एंड व्हाइट। और इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो करके लाइक, वीडियो को शुरू करते स्टार्ट। तो सिंपली अब पछताने का बारी नहीं है, अब आपको सीखने का बारी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, फोटो को सिंपली आप लोग ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से सिंपली स्नैपशीट ऐप के अंदर आपको तीन एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका मैं नाम बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहते हैं तो सीख जाइएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको आना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे, एक बार मैं टूल्स पे क्लिक कर दूंगा और आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। और टू इमेज पे आपको एक बार क्लिक कर दूंगा, मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो इसका ब्राइटनेस है मैं ब्राइटनेस को सिंपली 15 के करीब मतलब 51 कर लेता हूँ प्लस, ठीक है। और इसका सेचुरेशन टैंग और सेचुरेशन को पूरा 100 कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अम्बिबांस बैंक और अम्बिबांस को भी हम लोग कर लेंगे यहाँ से 15 के करीब प्लस, ठीक है। और हाईलाइटेड को पूरा 100 माइनस कर लेंगे और शेडो पाएंगे, शेडो को भी थोड़ा सा देख लेंगे 49-50 कर लेंगे और इसके नीचे आएंगे और इसको नीचे वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मतलब इस तरीके से कर लेंगे। जो सारा सेटिंग है देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जितना जितना मैं किया हूँ, ब्राइटनेस एंड सेचुरेशन एंड अम्बिबांस एंड हाईलाइटेड एंड शेडो, ठीक है। और नीचे वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। तो क्या इस तरीके से आपको कोई समझाता है और फोटो को सही कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से आपको टूल्स पे आना होगा एंड आपको यहाँ पे आ जाना होगा, ठीक है। सिंपली बिगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और सिंपली आपको थ्री नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखना होगा, ठीक है। मैं रखा हूँ, ठीक है। और मैं सिचुएशन को माइनस कर लूँगा और स्टाइलिश टेन को भी माइनस करके और डन कर लूँगा। तो ये क्या आप भाई मेरा जो फोटो है पूरे तरीके से ब्लैक ही हो चुका है, आप लोग इसी चीज़ से डरते हैं और यही चीज़ हो चुका है, तो इसको भी आप लोग इरेज कर सकते हैं, वीडियो में बने रहते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली तीर पे आना होगा। अब आपको भी एडिट पे नीचे क्लिक करके और टू नीड्स पे क्लिक करके बिगनर पे क्लिक करके और यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको सिंपली नीचे इस वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा वीडियो में फोकस करते हैं तो अभी आप लोग सीख पाइएगा, इस पे क्लिक करके और इस तरीके से फेस पर का जो आप लोग जो चीज़ से डरते हैं वो चीज़ भी मतलब इरेज करना आसान होता है। आप लोग इसी चीज़ से डरते हैं कि मेरा जो फेस है वो ब्लैक ना हो और वाइट हो HDR जैसे आपका हुआ है, ठीक है। तो आप मतलब आप मेरे वीडियो में बने थे तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा एक एक स्टेप, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं और कन्फ्यूज भी नहीं होना होगा, आराम से वीडियो को एक एक स्टेप देखते हैं तो आप लोग सीख जाइएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इरेज करता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। सो गाइस, तो जो ब्लैक पार्ट था मेरे फेस पे मैं उसको आसानी तरीके से इरेज कर लिया हूँ, आप भी इस तरीके से आसान तरीके से कर लीजिएगा। अब जो बारी है वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, सही कर लीजिएगा फोटो को और यहाँ से बैक जाइएगा और फोटो को सेव करके अब बारी है क्या कि फेस को अच्छे तरीके से व्हाइट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको मिलेगा एक लाइटरूम ऐप के अंदर, मतलब उससे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लाइटरूम ऐप के अंदर अपने फोटो को ऐड करता हूँ, मतलब लाइटरूम ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा तो उसको आप लोग आराम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी फोटो को एडिटिंग करनी नहीं है तो आज का वीडियो देखते हैं तो आप लोग सीख जाइएगा। और सिंपली इस जो चीज़ है आपको नीचे लाइट पर आना होगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा और हाईलाइटेड कोनेट माइनस एंड शेडो कोनेट प्लस एंड व्हाइट्स को माइनस और यहाँ से मतलब ब्लैक को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से ब्लैक मतलब व्हाइट एंड ब्लैक को हम लोग 26 के करीब माइनस करेंगे, ठीक है। और व्हाइट्स को 38 माइनस और कंट्रास्ट को इस तरीके से करेंगे 50। तो देख लीजिए ये सारा जो सेटिंग है आपके सामने पूरा मेरा राज ही है, आप लोग देख लीजिए पूरा राज ही मेरा है, ठीक है। और सिंपली आपको नीचे कलर पे क्लिक करूँगा, मैं कलर्स पे आता हूँ और मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मैं इस वाले ऑप्शन पे आऊँगा और इसको मैं 20 के करीब प्लस कर लेता हूँ और सिंपली मैं ऊपर मिक्स पे क्लिक कर दूँगा। मैं गाइस मिक्स टूल पे आता हूँ और सिंपली मैं इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दूँगा, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके
और थोड़ा सा सेचुरेशन को माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए मैं यहाँ से 49 कर लेता हूँ और इसका लिमलेस प्लस कर लेता हूँ, मतलब मान लीजिए पूरा 100 ही कर दूंगा, पूरा 100 कर लूँगा। और सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा, इस वाले ऑप्शन पे जाएगा और सिंपली और इसका सिचुएशन माइनस कर लीजिएगा, और आप लोग सिंपली इस पे जाएगा और इसका भी सिचुएशन माइनस, और ब्लू वाले ऑप्शन पे जाएगा इसका भी सिचुएशन माइनस, ठीक है। और थोड़ा सा फिर इस पे आइएगा और इसका थोड़ा सा सिचुएशन को माइनस कर लीजिएगा, मान लीजिए मैं इसको माइनस करता हूँ 89, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेड वाले ऑप्शन पे आप लोग आइएगा तो इस पे आइएगा और सिचुएशन को थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा 22 और फोटो को कर लीजिएगा डन, ठीक है। फोटो को कर लीजिएगा अब डन, ठीक है। अब आपको आना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, इफेक्ट पे कर दीजिएगा क्लिक एंड ऊपर स्ट्रक्चर को पूरा 100 एंड क्लियरिटी को मैं 26 प्लस और इसके नीचे वाले ऑप्शन को मैं कर लूँगा 40 क्रिप्स, थोड़ा सा 40 से मतलब 27 और नीचे बिगनर ऑप्शन को थोड़ा सा माइनस, ठीक है। सोलह इस तरीके से कर देंगे फोटो को, ठीक है। और देख लीजिए बिफोर में कैसा था एंड आफ्टर में फोटो कैसा बन चुका है, बिफोर एंड गाइस आफ्टर एंड फोटो को कर लेंगे सेव। अब जो चीज़ है वो है आसान, ठीक है, आएंगे सेम फोटो को सेव कर लेंगे। फोटो गाइस मेरा हो चुका है सेव, अब फोटो को कर लेंगे शेयर। आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग करते हैं तो आप लोग सीखिएगा, ये मेरा गारंटी है। और आइएगा सिंपली स्केचबुक ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप अपने फ़ोटो को मतलब ऐप को डाउनलोड करके फ़ोटो को बना सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट इस प्रॉब्लम का सामना करने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोने में आइएगा और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके कट कीजिएगा और जिस फोटो को सेव किए थे उस वाले फ़ोटो को ले लीजिएगा। सिंपली फ़ोटो को मैं ले लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो काम है मैं आपको फेस को स्मूथ करना ही सिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को यही चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो इसके लिए सिंपली आना होगा ब्रश पे एंड इस ब्रश पे आने के बाद आपको सिंपली करना होगा नीचे स्मॉज देख लेना होगा और यहाँ पे मिलेगा इस वाला ब्रश, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से सेलेक्ट करके और सेटिंग पे आइएगा और इसका जो फ्लो होगा 6 एंड स्ट्रेन को 5, इस दोनों को मेरे जैसा सेम और साइज को मैं 68 कर लेता हूँ और मैं सिंपली 68 से कुछ ज़्यादा भी कर लेंगे कैसे कर लेंगे, साइज को गाइस आप अपने हिसाब से कीजिएगा और मैं कट कर देता हूँ। अब सिंपली मैं अपने फोटो के ऊपर थोड़ा सा मैं साइज को और भी प्लस कर लेके और आराम से करेंगे, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना आराम से। तो ये जो इफेक्ट है एंड जो स्मूथ है आप लोग देख लीजिए कितना हार्ड क्वालिटी में हो रहा है आप लोग स्मूथ, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि फेस को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड लगता है, तो अब अपने फ्रेंड को भी आप बता सकते हैं कि मैं भी फेस को स्मूथ करके फ़ोटो को हाई क्वालिटी में बना लेता हूँ, देख मेरा फ़ोटो, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि जो आपका भाई रियल तरीका बता रहा है वो क्या झूठ है, आप लोग देख लीजिए पूरा रियल है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे साइज को माइनस करके और आराम से कीजिएगा और अपने फ्रेंड को आप भी बता सकते हैं, जैसे मेरा फेस स्मूथ हो रहा है आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए और साइज को थोड़ा सा प्लस करके, और यहाँ पे बहुत सारा पिंपल दाना है तो इसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे, इस तरीके से इसको भी इरेज कर लेंगे। एंड गाइस इसी तरीके से फ़ोटो को स्मूथ कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल भी मत घबराना होगा, जो भी चीज़ बताते हैं रियल बताते हैं एंड रियल आपको सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं और आप लोग पूरे वीडियो में बने रहते हैं, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करते हैं, तो आप लोग भी मेरे जैसा एडिटिंग सीख जाइएगा। देख लीजिए जो फेस है ना वो स्मूथ कितना बवाल तरीके से हो रहा है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसी तरीके से फेस को स्मूथ किया जाता है। और आप लोगों को कोई मतलब रियल तरीके से नहीं बताता है उसी तरीके से मतलब सॉरी गाइस, अगर आपको कोई रियल तरीके से नहीं बताए इसी कारण से आप अपने फेस को नहीं स्मूथ कर पाते, तो जो फेस है ना स्मूथ हो रहा है या नहीं हो रहा है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो भी पिंपल एंड दाना है और यहाँ पे जो भी मतलब है वो सब कुछ आसानी से इरेज हो रहा है, और यहाँ पे भी है जो मतलब आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा होगा, तो ये भी चीज़ मतलब मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से गाइस मतलब आराम से अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। एंड गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समय में फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस इतना ही।